हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एग्जामिनर का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड फ्रेंड मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए हड़प्पा, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, उससे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सभी के लिए, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी, NTPC, SSC, पुलिस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हाँ फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। अगर फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है मान्यता प्राप्त। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? जो हड़प्पा सभ्यता था उसका सबसे पहले खोज कौन किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा दयाराम सहनी जो थे, उसने हड़प्पा सभ्यता खोज सर्वप्रथम किया था। और कब किया था? तो फ्रेंड 1921 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। कब की थी फ्रेंड? 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु सभ्यता थे वहाँ के जो घर बने रहते थे वो क्या चीज़ से बने रहते थे? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट। ईंट से बने रहते थे, वहाँ का घर जो सब थे वो ईंट से बने रहते थे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो वहाँ के लोग थे वो लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। वहाँ के लोग जो थे व्यापार करते थे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? जो सिंधु घाटी थे वहाँ के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, सुरकोटदा से मिले थे फ्रेंड घोड़े के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सस्थलीय कालीबंगा किस प्रदेश में है? जो सिंधु घाटी की सस्थल कालीबंगा है वो किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है फ्रेंड? राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का पत्थर नगर बंदरगाह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का पत्थर नगर, जिसे बंदरगाह कहते हैं। और ये फ्रेंड कहाँ है? तो लोथल जो है गुजरात में है फ्रेंड, गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो किस युग का था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग का था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास के उत्पादन में वो सर्वप्रथम थे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मैंने फ्रेंड आपको पहले भी बता दिया है, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 ईस्वी में। और कौन खोज किए थे? तो इसका दयाराम सहनी ने खोज किया था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार तक का था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी जो है राइट आंसर है त्रिभुजाकार। वहां के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार रहता था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो ये मिला था फ्रेंड कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड कालीबंगा, याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोहनजोदड़ो कहाँ से स्थित है फ्रेंड? मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ से स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी,
सिंध, सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है फ्रेंड। और सिंध कहाँ है तो ये पाकिस्तान में है फ्रेंड। कहाँ है? पाकिस्तान में है फ्रेंड, पाकिस्तान में, याद रखिएगा फ्रेंड, पाकिस्तान में सिंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाएगा? जो सिंधु सभ्यता है वहाँ में बृहद स्नानागार कहाँ पाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार पाया गया था फ्रेंड, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हाँ फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, लोथल। लोथल जो है भारत में स्थित है, और कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो वो शहर कौन था फ्रेंड? हड़प्पा। हड़प्पा जो था भारत में सबसे पहले पुराना शहर था और सबसे पहले खोजा गया था फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है? हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता नाम है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, क्या नाम है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मृतिकों का टीला। मृतिकों का टीला, माउंट ऑफ डेट भी कहा जाता है फ्रेंड, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसी तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं फ्रेंड। नया क्वेश्चन के चलते हैं, मंडा किस नदी के किनारे से स्थित है? हाँ फ्रेंड, मंडा जो मंडा है वो किस नदी के किनारे से स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, चेनाब। चेनाब नदी के किनारे से स्थित है मंडा, याद रखिएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सस्सल रोपड़ जिसे हम पंजाब, किस नदी के किनारे से स्थित है? तो ये पंजाब जानते हैं फ्रेंड, ये सतलज नदी के किनारे से स्थित है, सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई सा रिलेटेड वीडियो इससे डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ।